दोस्तों, एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका से पाकिस्तान हार गया और इसी के साथ पाकिस्तान का यह तीसरी बार एशिया कप जीतने का सपना भी टूट गया। इस मैच को हारने के बाद मोहम्मद रिजवान काफ़ी उदास दिखे और ये निराशा इस वजह से भी नहीं कि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। 49 गेंदों पे उन्होंने 55 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इतने रनों के लिए ज़्यादा गेंदें भी खेली, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को 16 रन बनाने की वजह से भी दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन क्रिकेट फैंस को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस टूर्नामेंट में मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। बाकी आपकी क्या राय है? क्या मोहम्मद रिजवान की वजह से पाकिस्तान हार गया या फिर सदाब खान के दो कैच छोड़ने की वजह से पाकिस्तान हार गया? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।